अब 7.5 सेंटीमीटर अपनी ये लेंथ आ रही। एक काम करो, 7 सेंटीमीटर ले लो इसकी लेंथ, ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, 7 का आधा 3.5 सेंटीमीटर यहाँ पे मार्क किया, एक लाइन ड्रॉ करी। ओके, तो ये अपने पास बॉक्स आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पे एक वी शेप बनाओ। ठीक है, अब ऐसा नहीं करना कि बहुत ज्यादा बड़ा सा बना दिया, एकदम छोटा सा वी शेप बना दिया, एक नॉर्मल सा वी शेप बनाओ। ओके, बहुत लाइटली लाइटली उसे यहाँ ज्वाइन करो, बहुत लाइटली उसे यहाँ ज्वाइन करो। अभी एकदम डार्क नहीं ड्रॉ करो। फिर एक इस तरीके से नीचे बेसिक सा, कैसे, 1 सेंटीमीटर राइट हैंड साइड, 1 सेंटीमीटर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और फिर 1.5 सेंटीमीटर एक और मार्क लगाया, 1.5 सेंटीमीटर यहाँ एक और मार्क लगाया। ठीक है, ये जो बाहर वाला मार्क है उसे यहाँ जोड़ा, ऊपर इसको यहाँ जोड़ा। तो ये जो है ये एक बेसिक शेप बन जाता है अपने लिप्स का। ठीक है, तो पहले ये बनाओ, उसके बाद फिर फेयर शेप पे आप। ठीक है, तो इतना हुआ। अब जो अपर लिप रहता है, या तो कुछ लोगों के ऐसे बहुत पॉइंटेड से रहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे हल्का सा कर्व होता है और आ जाता है। अब गलती क्या करते, कुछ लोग यहाँ से पूरा कर्व करना चालू करते, बहुत बड़ा सा और ऐसे फूला हुआ सा शेप आता है। नहीं, वो नहीं चाहिए, ये हल्का सा कर्व शेप होता है। ठीक है, ये अगर तुम इस लिप में देखो ऊपर, तो यहाँ पे वी शेप आया और हल्का सा कर्व होके नीचे आ गया। तो वही सेम चीज होगी, ये वी शेप आया, बहुत ज्यादा ये कर्व नहीं किया। क्या किया मैंने इसमें, हल्का सा यहाँ कर्व किया, इस लाइन के ऊपर आया और फिर ये यहाँ ऐसे ज्वाइन हो गया। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे करी, हल्का सा ऊपर की तरफ कर्व किया इस लाइन से और फिर वापस नीचे की तरफ ऐसे ज्वाइन हो गया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, बहुत ज्यादा एकदम स्ट्रेट शेप भी नहीं मिला, यहाँ पे जो एकदम कर्व्ड शेप बना लेते हैं इस तरीके का गंदा सा, वो भी नहीं है। अब सेंटर पे क्या करो, हल्का सा ऐसे वी शेप जैसे बनाया था उसी का बड़ा सा फॉर्म बना दो एक। ठीक है, फिर इस तरीके से इस कर्व से नीचे निकाला और ऐसे ज्वाइन किया। ठीक है, एक अपवर्ड फेसिंग कर्व बनाया जहां पे कर्व इस लाइन को कट कर रहा है और यहाँ ज्वाइन किया। सेम चीज यही करी। अब ऐसा नहीं करना कि ये बहुत ज्यादा नीचे लटका दिया और एकदम ये इस लाइन पे चिपका दिया, नहीं, इस तरीके से धीरे से नीचे आया और ये यहाँ पे ऐसे कर्व होके ज्वाइन हो गया। अपर लिप इस तरीके से बन जाता है। लोअर लिप का सिंपल है। लोअर लिप का क्या करना, ये कर्व ले, ये स्ट्रेट लाइन ले गए, जैसे इस लाइन को टच किया, इस पॉइंट को जो अपन ने 170 पे, यहाँ पे कर्व करना स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे ऊपर गया और ऐसे ज्वाइन हो गया। ठीक है, ये 1.5 सेंटीमीटर वाले से नहीं करना, सेम चीज यहाँ करो, यहाँ ऊपर से हल्का सा नीचे लेते हुए आओ और यहाँ पे ऊपर की तरफ कर्व करते हुए ले जाओ और ये ज्वाइन हो गया। ठीक है, टेढ़ा मत करना कि यहाँ से सीधा एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया, नहीं, हल्के से कर्व के साथ करो। इसके नीचे का कर्व देखो अगर, तो इस शेप में जा रहा है ये, ऊपर वाला कर्व देखो तो इस शेप में आ रहा है ये। ओके, तो इस तरीके से अपन को लिप्स का शेप ड्रॉ करना। जैसे यहाँ पे पूरे पोर्शन में अपन ने बीच में नहीं छोड़ा हुआ है, एंड एंड में ले जाके अपन ने मिक्स कर दिया, सेम चीज होगी। तो इतने पोर्शन में अपन हाइलाइट्स छोड़ते हैं। अब कैसे, तो धीरे से यहाँ स्टार्ट करो, पास पास स्ट्रोक्स ले जाना। पहले तो स्ट्रेट रहेंगे फिर कर्व आएंगे, तो थोड़े से स्ट्रेट रखो फिर कर्व करने स्टार्ट कर दिए, एक आते ऐसे ऊपर गए। ठीक है, जैसे ये कर्व शेप जा रहा है इसके साथ साथ ऐसे ऊपर तक चले गए। सेम चीज राइट हैंड साइड जाएगी, ये स्ट्रेट है, एक आध करते करते ऊपर, फिर एक आध करते करते ऊपर, और ये अपना जो ऊपर का यू शेप रहता है वो खत्म हुआ। ओके, अब यही सेम चीज यहाँ पे करेंगे, नीचे से स्टार्ट करी, एक आध ऊपर, धीरे धीरे कर्व करते करते ऊपर। अब इसके आगे अपन को हाईलाइट छोड़ने की जरूरत नहीं है, तो अपन एक रेगुलर शेप के ऐसे ले जा सकते, जरूरी नहीं कि ऊपर तक जाए, जितने बन पाए उतने बनाओ। ये हुआ, सेम चीज यहाँ पे करेंगे, ऐसे कर्व करते करते गए, एक ऊपर,
ऐसे कर्व करते करते गए एक ऊपर, ये अपना इतना पोर्शन खत्म हो जाता है, इसके आगे हाईलाइट नहीं देना, जैसे धीरे धीरे कर्व्स बनाए। अब जैसे ऊपर की तरफ बनाए वैसे नीचे की तरफ बनाओ, तो स्टार्टिंग में स्ट्रेट रहेंगे और फिर कर्व आएंगे। अब ऐसा नहीं करना है कि ये वाले कर्व अपने अलग जा रहे हैं, ये वाले जो कर्व है वो नीचे वाले के कर्व की पोजीशन में होगा। अगर नीचे से इस डायरेक्शन में कर्व जा रहा है तो ऊपर से ऐसे आएगा कि अगर उन्हें ज्वाइन करो तो एक परफेक्ट कर्व बने। ऐसा नहीं कि ये कर्व इधर जा रहा है और ये कर्व नीचे की तरफ आ रहा है, ओके? और नेसेसरली उनको दोनों को मीट करना जरूरी नहीं है, ठीक है? इस तरीके से कर्व बनाते जाओ उसी डायरेक्शन में जैसे नीचे वाले, छोटे छोटे बनाते जाओ, एक आध एक आध नीचे, फिर छोटे छोटे बनाते चले गए। और अब यहाँ पे अपन को हाईलाइट छोड़ने की जरूरत नहीं है, तो अपन ऊपर से जो स्ट्रोक्स लगा रहे हैं उन्हें नीचे वालों के साथ ऐसे मिक्स कर देंगे। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे करेंगे राइट साइड में, ऐसे कर्व करना स्टार्ट करें, फिर एक आध नीचे, फिर एक आध नीचे, ऐसे कर्व करते करते गए। अब इतने पोर्शन इसके आगे अपन को हाईलाइट देने की जरूरत नहीं है, तो अपन धीरे धीरे इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना है, ये गलती नहीं करना कि नीचे वाले ज्यादा डार्क लगा दिए या ऊपर वाले ज्यादा डार्क लगा दिए, सबको नियरली सेम रखना। और ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा एकदम हाईलाइट छोड़ने की जरूरत है, हल्के हल्के हाईलाइट दिखने चाहिए अपन को, और एंड एंड में हाईलाइट की जरूरत नहीं होती, ठीक है? लोअर लिप पे भी बहुत ज्यादा अपन को एकदम पीछे तक हाईलाइट नहीं ले जाने, इतने पोर्शन में काफी है। तो लोअर लिप भी सेम है, थोड़ा ज्यादा एरिया है तो बेटर है। इस तरीके से स्ट्रोक्स लगाना स्टार्ट करें सीधे, ठीक है, कंटिन्यूअसली लगाते चलेगा। अब एक आध जो ये ऊपर जा रहे हैं इसे बहुत ज्यादा डार्क नहीं करो कि अलग से ले जा रहे हो, एक कंटिन्यूएशन में जो स्ट्रोक्स जा रहे हैं इस तरीके से एक आध ऐसे ही ऊपर जा रहा है, ओके? जैसे यहाँ तक है, यहाँ तक हाइलाइट्स काफी है, इससे ज्यादा पीछे तक छोड़ने की जरूरत नहीं। तो यहाँ से यहाँ पीछे तक आप नॉर्मल स्ट्रोक्स लगा सकते हो। ओके, अब सेम चीज यहाँ पे करेंगे राइट साइड जाते हुए, एक आध ऊपर, ठीक है। अब यहाँ तक हाईलाइट की कोई जरूरत नहीं है इससे पीछे, तो ऐसे नॉर्मल स्ट्रोक्स लगा सकते हैं। अब ऊपर से जो है ऊपर से ऐसे लगाते हुए एक हाथ नीचे आ गया, फिर कंटिन्यूअसली स्ट्रोक्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे इसके आगे स्ट्रोक्स की जरूरत नहीं है हाइलाइट्स की, तो पीछे तक पूरे कनेक्ट करते हुए चलो ऐसे। सेम चीज यहाँ पे देखो, अब हाइलाइट्स तो अभी अपन ऐसे स्क्वायर शेप में छोड़ रहे हैं, डिपेंड करता है अपनी रेफरेंस पे कि अपनी रेफरेंस में किसके हिसाब से। कुछ लोगों में एकदम इतने पोर्शन में एकदम लंबे लंबे हाइलाइट्स रहते हैं, किसी में एक पतली सी लाइन बनी रहती है, तो वो अपने रेफरेंस पे डिपेंड करेगा कि अपन कैसे छोड़ रहे हैं। लेकिन ये एक बेसिक आइडिया है कैसे करना है अपन को। अब जैसे इसके आगे अपन को हाईलाइट की जरूरत नहीं है, तो ये अपन नॉर्मली ज्वाइन कर दिया है। तो ये देखो अपना जो लिप्स है, ये जो लेयर है ये अपन शेडिंग के बाद करते हैं। यूजुअली ये डिटेलिंग वाली लेयर होती है, जब अपन को एकदम पर्टिकुलरली एक एक स्ट्रोक जो ड्रॉ करना होता है। शेडिंग वाली लेयर में कुछ नहीं होता, अपन बस उसे HB 2B 4B से नॉर्मली फिल करते जाते हैं लेयर बाय लेयर, ओके? तो इस तरीके से ये फाइनल लेयर टाइप हो जाती है। अगर इसे स्टार्टिंग लेयर करनी हो तो उसमें भी कोई परेशानी नहीं है, इसे ब्लेंड भी कर सकते हो। ब्लेंडिंग स्टंप लेके हल्का हल्का ब्लेंडिंग स्टंप चला लो तो पीछे वाला पोर्शन जो है ब्लेंड हो जाता है, नीचे वाले पोर्शन में पूरा नहीं घिसना ऊपर तक, सिर्फ हल्का हल्का जैसे स्ट्रोक्स लगाए थे वैसे धीरे धीरे स्ट्रोक्स लगा सकते हो, ओके? हाइलाइट्स वाले पोर्शन में भरना नहीं है पूरा, इस तरीके से धीरे धीरे स्ट्रोक्स लगाए, ओके? तो ये भी कर सकते हो अगर डायरेक्टली इससे करना हो, वरना लेयर बाय लेयर अपन शेडिंग करते हैं। तो पहले इतना करो, तो नोज स्टार्ट करते हैं अपन। नोज के लिए कुछ नहीं करना, एक लाइन ऑफ सिमेट्री खींचो, स्ट्रेट लाइन एक हल्की सी। बहुत ज्यादा अभी जो बेसिक शेप बना रहे हैं ये बहुत ज्यादा डार्क ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ये लाइन
एक सर्किल खींचो, खींचो कह रहा, ड्रॉ करो, ठीक है? अब दो और सर्किल ड्रॉ करो, लेकिन बहुत ज्यादा छोटे नहीं और बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं, ठीक है? इस तरीके से। और ऐसा भी नहीं करना कि एकदम इतने बड़े कर दो कि यहाँ पे नीचे लेवल सेम हो जाए, और दोनों सर्किल जो छोटे ड्रॉ कर रहे हो वो इक्वल साइज के होने चाहिए, ठीक है? और इस तरीके से पीछे एक ट्राइंगल टाइप ड्रॉ कर लो, और ये अपना बेसिक शेप जो है नोज का वो हो जाता है। देखो अब क्या करना, जैसे ये सर्किल है, डायरेक्ट इसके नहीं, इससे थोड़े नीचे से एक हल्का सा अपवर्ड फेसिंग कर्व ड्रॉ किया, इस कर्व को इस सर्किल पे ऐसे टच किया, और ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये बगल वाले सर्कल्स के नीचे आ गई। सेम चीज यहाँ पे, इसके नीचे से एक लाइन आ रही है जो सर्किल को टच कर रही है, और यहाँ पे एक कर्व आ रहा है, ठीक है? तो एक बाउल शेप आ गया। अब क्या करना है, कर्व ड्रॉ करना है। कैसे, यहां से कर्व लेते हुए आए, सर्किल को टच किया, और यहाँ नीचे की तरफ देखो, इस लाइन को कुछ नहीं टच कर रहा है ना, इस लाइन से ऐसे डायरेक्ट ऊपर निकला है, गैप है बीच में थोड़ा, जो अपन नॉस्ट्रल ड्रॉ करते हैं ये, उसके लिए गैप है। कोई डायरेक्ट ऐसे मत करना कि यहां से ऊपर कर्व कर दिया, सेम सेम लेवल पे, ठीक है? यहां से कर्व करना स्टार्ट किया, इस सर्किल को टच किया, और ये आ गए थे। यहाँ पे भी ऐसे कर्व करो, ऐसे फिल करो, और ये नॉस्ट्रल ड्रॉ हो गई। जो अपन हल्का सा नोज स्टेम ड्रॉ करते हैं वो कैसे होगी, यहां से ये जो कर्व सर्किल दिख रहा है, इससे हल्का सा कर्व लो ऊपर की तरफ, सेम चीज यहाँ पे हल्का सा कर्व लो, और ये ऊपर की तरफ। तो इस तरीके से बेसिक सर्कल्स से अपनी नोज जो है वो ड्रॉ हो जाती है। ओके, तो इतना ड्रॉ करो।